जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रद्धालुओं का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार उपाय में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे इस व्रत के महत्व के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि परिवर्तनी एकादशी के व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी व्रत त्यौहार या उपाय के बारे में वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँचते रहें, और उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चतुर्मास की शुरुआत होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन वे करवट लेते हैं। ऐसे में उनका स्थान परिवर्तित होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रतों में से एक ये एकादशी का व्रत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती भी की जाती है। विधि पूर्वक व्रत को पूरा किया जाता है और उसका पारण भी किया जाता है। कहते हैं कि व्रत का पारण अगर सही तरीके से किया जाए तो ही व्रत का फल मिलता है, इसलिए व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं आगे अपने वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। आइए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत संकल्प एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में लिया जाता है। ये व्रत दशमी की शाम से सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन पारण के समय खोला जाता है। व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें, इसके बाद भगवान की चौकी सजाएं। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, उनका ध्यान करके पूजा अर्चना और आरती करें। व्रत के दिन पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे पीले रंग के कपड़े पहनें, पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें, साथ ही पूजा में जो चौकी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी पीले रंग का ही कपड़ा चढ़ाएं। कहते हैं भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ होता है। पूजा में पीले रंग के फूल और फल और मिठाई भी भगवान को अर्पित करें। मान्यता है कि पूजा में तुलसी, फल, तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। कहते हैं जो भक्त परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके दिन और तारीख क्या है। साल 2021 में सितंबर के महीने में परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। परिवर्तनी एकादशी व्रत की शुरुआत 16 सितंबर सुबह 9:36 से होगी। एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर सुबह 8:08 पर होगा।
अब जान लेते हैं व्रत के पारण का समय क्या है। व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 6:54 तक होगा। तो इन शुभ मुहूर्त में आप परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा और पाठ करें, आपको व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति जरूर होगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। व्रत त्यौहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।